हेलो फ्रेंड्स, अमृत दया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दया को। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये डेली जो मेरा होता था कि बोर्ड पे मैं आपको बताता था, उससे कुछ मैंने अलग ट्राई करना चाहा क्योंकि ये मुझे लगता है कि शायद अच्छा काम करेगा। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ब्रायोफाइटा जो चैप्टर था हमारा वो चल रहा था, तो उससे कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो देखिए, हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन। तो इलेक्ट्र जो पहले इससे पहले एचसीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ हुआ है उसके अंदर इलेटर्स का क्वेश्चन आ रखा है कि इलेटर्स आर फाउंड इन। तो इलेटर्स जो होते हैं वो देखा जाए तो आपको जो है वो हेपेटिकॉप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो हेपेटिकॉप्सिडा जो होता है उसके अंदर जो है इलेटर्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रायोप्सिडा है और एंथोसिरोप्सिडा है उसमें जो इलेटर्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। इलेटर्स जो होते हैं उनका जो काम होता है वो क्या होता है, एक्चुअली सेल्स हैं और हाइग्रोस्कोपिक होती हैं और ये जो है स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। मतलब स्पोर्स का जो एक स्थान, मतलब जो स्पोरोफाइट होगा उसका जो कैप्सूल होगा वो फटेगा और उससे स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं दूसरी तरफ। तो उनमें जो इलेटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, मतलब ये पानी को अवशोषित करते हैं और फिर फूल जाते हैं। तो इस तरह का इनका काम होता है। अब ये लेटर्स जो होते हैं वो ये पूछ रहा है कि किस में मिले थे। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था उसका तो आंसर हो जाता था कि भाई ये जो हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर होंगे उनमें प्रेजेंट होगा। बट यहाँ मैंने कुछ अलग क्वेश्चन डिजाइन किया है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन, कि स्यूडो इलेटर्स किस में होते हैं। तो यहाँ ध्यान देना आप कि जो एक तो होता है हेपेटिकॉप्सिडा, एक होता है एंथोसिरोप्सिडा एंड एक होता है ब्रायोप्सिडा। तो जो हेपेटिकॉप्सिडा जो होगा, सॉरी, जैसे कि हेपेटिकॉप्सिडा का हो गया एक जो है अपने पास में एंथोसिरोप्सिडा हो गया और एक हो गया ब्रायोप्सिडा। तो यहाँ जो ये प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा एंथोसिरोप्सिडा के मेंबर्स में। जो सीडोलेटर्स जो होते हैं वो एंथोसिरोप्सिडा जो होता है उनके मेंबर में होता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा अपना एंथोसिरोस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो देखते हैं कि ए फीमेल गैमेटेंजियम ऑफ ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए फंगस इन पजेजिंग। कि जो फंगस है, ठीक है, फंगस से जो ब्रायोफाइटा का जो फीमेल गैमेटेंजिया है वो किस में अलग होता है। तो यहाँ जो आंसर होगा, एक बार हम देख लेते हैं कि जो ब्रायोफाइटा का जो गैमेटेंजिया होता है वो जो होता है उसमें लार्ज नेक सेल होगी, इस तरीके से वेंट्र सेल्स प्रेजेंट होती है, उसके बीच में एग इस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये बताना है कि जो फंगस से किस तरीके से अलग है। तो फंगस से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा जैकेट लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स। आपको फंगस में ये एब्सेंट मिलेगी, बट जो ब्रायोफाइट होते हैं उनके अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जो है स्टेराइल सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं देखा जाए तो। तो ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ कि स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट मीनिंग गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, ठीक है, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ए आप देखिए, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, तो हमारे पास में यहाँ जो ऑप्शंस होंगे वो एपोगेमी, एपोस्पोरी, हेटरोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस है। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट यहाँ जो बन रहा है, ठीक है, तो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन से जो टर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि एपो का क्या मीनिंग हो जाता है, विदाउट, और गेमी मतलब गैमेट के बिना, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर जो जाएगा अपना वो जाएगा एपोगेमी, ठीक है, मीनिंग गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन की जगह अपन लिख सकते हैं फ्यूजन। यहाँ जो होगा गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो आपको अब्सेंट मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो अब जैसे गैमेटोफाइट जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो इस केस में जो स्पोरोफाइट बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि एपोस्पोरी क्या होता है। एपोस्पोरी का जो मीनिंग होता है वो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो एपोस्पोरी में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट से
गैमिटोफाइट बनता है। एपोस्पोरी के अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट बनता है। तो एपो का मीनिंग बिना और स्पोरी का मतलब हो जाएगा स्पोर, मतलब बिना स्पोर के। तो स्पोरोफाइट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि स्ट्रक्चर होती है इसमें, जैसे कि अपना जो होगा इसके अंदर स्पोरोफाइट में कि कैप्सूल बना होता है, और कैप्सूल के अंदर जो है कॉलीमेला, कॉलीमेला के साइड में स्पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नीचे जो है सीटा होता है, फुट होता है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स होती है अलग अलग। तो यहाँ एपोस्पोरी में क्या, स्पोर के अलावा, ठीक है, स्पोर के अलावा स्पोरोफाइट के किसी भी सेल से अगर गैमेटोफाइट बनेगा तो वो क्या होगी, एपोस्पोरी, ठीक है। और जैसे कि स्पोरोफाइट की अदर सेल्स क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, तो यहाँ जो गैमेटोफाइट बनेगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड, ठीक है। तो एपोस्पोरी में कुछ ऐसा होता है। इसके बाद में हिटरोस्पोरी, हिटरोस्पोरी के अंदर क्या होता है कि एक ही प्लांट बॉडी से कि सॉरी एक ही प्लांट बॉडी से स्पोर बनते हैं अलग अलग, ठीक है। एक तो बनता है मेगा बनता है, मेगा साइज बनता है, और एक जो है माइक्रो साइज का बनता है। तो माइक्रो जो होता है वो मेल गैमिट बनाता है, और जो मेगा होता है वो फीमेल गैमिट बनाता है, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रो जो होता है वो जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमिट बनता है, फीमेल से, ये आगे की चीज़ें हैं। एंड पार्थेनोजेनेसिस जो होगा उसमें क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस में, पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ जो होता है पार्थेनोजेनेसिस में एग जो होता है उससे डायरेक्ट क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग से ऐसे डायरेक्ट जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये अलग अलग टर्म्स थी। यहाँ जो आंसर था कि यहाँ पर स्पोरोफाइट बनता है डायरेक्ट गैमेटोफाइट से, तो विदाउट गैमीट, विदाउट गैमीट में थी एपोगैमी। तो यहाँ जो आंसर हो गया था हमारा, सॉरी यहाँ जो आंसर हो गया था हमारा वो हो जाएगा यहाँ एपोगैमी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कॉलीमेला प्रेजेंट इन, कॉलीमेला जो होता है स्पोरोफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है उसी में प्रेजेंट होता है। बीच में कुछ सेल्स होती है इस तरीके से, और इसके साइड में जो होता है वो आर्केस्पोरियम होता है। यहाँ लिखना तो पॉसिबल नहीं है आर्केस्पोरियम, फिर भी मैं आर्केस्पोरियम होता है, और बीच में जो होता है कॉलीमेला होता है। ये क्या होता है, स्टेराइल पार्ट होता है, ठीक है, स्टेराइल पार्ट होता है। और ये उस तरीके से होगा यहाँ, तो कॉलीमेला जो स्टेराइल सेल्स होती है तो ये प्रेजेंट किन में होता है, तो देखा जाए तो ये जो प्रेजेंट होता है वो एंथोसिरोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। हिपेटिकॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा में कॉलीमेला अब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो एंथोसिरोप्सिडा होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंथोसिरोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टैक्स प्लेस इन द, ठीक है, ये पूछ रहा है कि यहाँ जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, और वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट ब्रायोफाइट में कहाँ होता है। तो यहाँ चार पार्ट दिए, कैंथ्रिडियम, स्पोरोगोनियम, कैप्सूल एंड आर्केगोनियम। तो जो जैसे कि फिर से देख लेते हैं, जैसे कि इसमें जो आर्केगोनियम होता है, तो आर्केगोनियम क्या होता है, जैसे कि फ्लास्क शेप में होता है, तो नेक होती है, नेक के नीचे वेंट्र बना होता है ना, ये नेक पार्ट होता है और ये वेंट्र पार्ट होता है। नेक के अंदर क्या होती है, 1 2 3 4, ये अलग अलग हो सकती है, बट 4 जो होगी नेक सेल्स होगी। इसके अलावा नेक कैनाल सेल और एक वेंट्र कैनाल सेल, और नीचे की तरफ जो है एग सेल, ठीक है। तो एग जो होता है फर्टिलाइज होता है मेल गैमेट के थ्रू, और उसके बाद में क्या होता है, ये जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो जो है वो इसी के अंदर होता है, वेंट्र के अंदर ही। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आर्केगोनियम। ओके, तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करना कि ये ज़्यादा अच्छा है या जैसे हम बोर्ड पे बताते थे वो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।